नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो के अंदर। जैसे कि अभी जो समय चल रहा है, समय मार्च का चल रहा है, इस समय ना तो सर्दी है ना ही गर्मी है, तो ये समय बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है सब्जियों को अपने टेरेस के ऊपर ग्रो करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपने जो है अपने टेरेस के ऊपर सब्जियों को ग्रो करना है और किस प्रकार का जो है गमला आपने लेना है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये हमारा जो है टेरेस गार्डन है, इस पे हमने इस प्रकार से फ्लावरिंग करी हुई है और इस प्रकार से जो टब है इसके अंदर हम अब जो है सब्जी के प्लांट को लगाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए टब है, टब के अंदर से हम जो पहले जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो वीड थी, खरपतवार बोलते हैं जिसको, उसको हम निकाल रहे हैं और खुरपे की मदद से मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। और ये देखिए हमारे जो शिमला मिर्च के हम सैपलिंग्स लेकर आए हैं, ये बीज से ग्रो करे हुए हैं। हमने कुछ समय पहले ही अपने भी जो है बीज को ग्रो करा था, लेकिन वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं मौसम के अकॉर्डिंग, तो हम मार्केट से ही इसकी जो है पनीरी लेकर आ गए हैं। और ये जो शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च बड़ी वाली है, ग्रीन वाली शिमला मिर्च है। इस प्रकार से आपने जो टब देख रहे हैं, हमारा जो ये टब है, ये टब प्लास्टिक का टब है और नहाने वाले टब के लिए इसको यूज करा जाता है। इसके अंदर हमने मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद एड ऑन करी हुई है। तो अब इसको हम लगाते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से कोकोपीट के अंदर लगा हुआ है, इसको हम निकालेंगे और निकालने के साथ ही हम इस तरीके से इसको अब हम सेंटर में ग्रो करेंगे। ये समय जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल उपयुक्त समय है सब्जियों को ग्रो करने के लिए। हम तीन चार जो है इसकी पनीरी लेकर आए हैं, जैसे कि ये शिमला मिर्च की पनीरी है, इसके अलावा जो हम हरी मिर्च की पनीरी को भी लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आप मार्च एंड के अंदर इसको लगाएंगे तो मार्च एंड के अंदर लगाने से क्या होगा, जो इसका प्लांट है वो हो सकता है शायद सरवाइव ना करे, क्योंकि हमने इसको ओपन टेरेस पे रखना है। ओपन टेरेस पे ज़्यादा गर्मी रहती है जिसके कारण इसका प्लांट जो है मर भी सकता है। तो हरी मिर्च का जो पनीरी है, अब हम इसको अपने इस गमले के अंदर लगाएंगे टब के अंदर। और ये देखिए हमारा जो अब हम प्लांट जो लगा रहे हैं, ये करेले का और घिये का प्लांट लगाएंगे। आप ये बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड सुन रहे होंगे, मेरे घर के पास ही थोड़ा फ्लाइंग जोन है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्लाइंग होती रहती है। ये देखिए इस प्रकार से आपने टब को लेना है, टब को देखिए जो हमारा प्लास्टिक का टब है, और इसके अंदर जो हमने करेले के सैपलिंग को लगा रहे हैं, देखिए करेले का जो सैपलिंग है इसको हम इस प्रकार से ग्रो कर देंगे। इसके अलावा जो हमने घीये का जो है वो भी लेकर आए हैं पनीरी, तो अभी बिल्कुल समय सही है ये देखिए। और इसके अंदर हमने गोबर की खाद को मिक्स करा हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपने टेरेस के ऊपर सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं और हम आपको आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर अपडेट देते रहेंगे। करेले का जो प्लांट है, बेल है, उसको भी आप इजीली अपने टेरेस पे ग्रो कर सकते हैं। ये जितनी भी पांच छह जो मैंने सब्जियां बताई हैं, इजीली आप इसको टेरेस पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने टेरेस के ऊपर सब्जियों को उगाने का, गार्डनिंग करने का शौक रखते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों को खाने का शौक रखते हैं, तो आप भी इनको आप ग्रो कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉमिनल रेट के अंदर आपको मिल जाएगी, 10 रुपए के अंदर अवेलेबल हो जाता है आपको, आपके घर के आसपास नर्सरी है या कोई अनाज मंडी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर और एक और
अलग सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।